नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर सुरौठ कस्बे में रविवार को हॉकी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सुरौठ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान परिसर में रविवार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हॉकी कोच वीरेंद्र सिंह राजपूत व प्रतियोगिता अध्यक्ष विश्राम मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता प्रारंभ से पहले बाहर से पधारे हुए सभी गणमान्य लोगों के द्वारा पटल के समक्ष पुष्प अर्पित कर व माल्यार्पण कर प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच नत्थू सिंह राजावत द्वारा की गई। वह मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार शर्मा रहे। वह विशिष्ट अतिथि के रूप में मुरारी लाल शाक्यवाल, राजेश सहारिया, कांग्रेस पूर्व ब्लॉक प्रवक्ता प्रमोद तिवारी, हरीश पाठक, गोपाल चौधरी, भारतीय पत्रकार संघ के सुरौठ तहसील अध्यक्ष टीकाराम शर्मा, डिफेंस अकेडमी के संचालक दिनेश छाबड़ी रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन शारीरिक शिक्षक गोपाल सिंह ने मीना द्वारा किया। आपको बता दें कि सभी का माला व साफा पहनाकर जोरदार तरीके से भव्य स्वागत किया गया। शारीरिक शिक्षक गोविंद मीणा, विनीत मीणा, गजेंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा हॉकी खिलाड़ियों से अतिथियों का परिचय कराया गया व पूर्व सरपंच राजावत ने अपने संबोधन में कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का वास्तविक नाम ध्यान सिंह था। इन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सन 1928 में एमस्टर्डम, 1932 में लॉस एंजिल्स एवं 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार शर्मा ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के अलावा उनके भाई कैप्टन रूप सिंह ने 2 ओलंपिक खेलों का स्वागत किया।